हथियारों की तस्करी करने वाला गिरफ्तार, एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। कटिहार पुलिस की बड़ी उपलब्धि, हथियार तस्करी के मामले में एक युवक गिरफ्तार, एक पिस्टल 5 जिंदा कारतूस। मामले के बारे में जानकारी देते हुए सदर डीएसपी ने बताया कि सहायक थाना पुलिस ललियाई में गश्ती के दौरान एक कार को रोककर जब तलाशी लिया तो एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस सहित एक युवक गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार युवक का पहचान कदवा थाना क्षेत्र के रहने वाले धर्मरंजन के रूप में हुआ है और उन्होंने अपने कबूलनामों में कहा कि वो कई दिनों से लॉज में रहकर हथियार तस्करी के काम से जुड़ा हुआ था। मुंगेर से 20,000 में हथियार लाकर 25,000 में बेचता था। डीएसपी ने बताया कि इससे पहले भी वो शराब तस्करी के मामले में मुफस्सिल थाना के कांड में जेल जा चुका है। कल रात लगभग 8:35 बजे थाना अध्यक्ष सहायक संजय कुमार अपने सभी सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती कर रहे थे और इसी क्रम में ललियाही चमरटोली के पास वाहन लगा करके वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी क्रम में एक गाड़ी जो मारुति सुजुकी थी उसको देखे तो गाड़ी को लगा दी, कुछ इसमें कुछ है, तो इसी क्रम में उसने बैठे गाड़ी को चेक किया, उसमें जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को पूछताछ किया, उसको चेक किया, उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 5.765 बोर का गोली बरामद हुआ। एक गाड़ी बरामद हुआ, उसके पास से काफ़ी संख्या में एटीएम कार्ड, 2 चेक, उसके अलावा में पीतल का बना हुआ एक चिलम भी बरामद हुआ। पूछने पर उसके द्वारा यह बताया गया जो वह आर्म्स का तस्करी करता है और मुंगेर से 20,000 में लाता है और 25,000 में कटिहार में बेचता है और वह इससे पहले भी मुफस्सिल थाना में शराब तस्करी में भी जेल जा चुका है। ये स्थानीय है या बाहर का? उसका अपने पूछने पर उसका नाम अपना धर्मरंजन भारती उर्फ धर्मपाल बताया जो कदवा थाना के धनगामा गांव का निवासी है। लॉज में रहकर क्या कर रहा था? नहीं, लॉज में रहता है, यहाँ यही मुंगेर से आर्म्स लाता है, प्रति आर्म्स 5,000 मिलता है और 20,000 में ले और 25,000 में। हाँ, मेड इन यूएसए लिखा हुआ है लेकिन यह प्रैक्टिकली मुंगेर का बना हुआ आर्म्स। किस लॉज में रहता है सर? वो हम लोग उसको देख रहे हैं कहाँ लॉज रहता है, क्या रहता है, बाकी उसका जो और फीडबैक हो गया है सब हम लोग उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चेक बुक अभी खाली है, चेक बुक खाली है, बाकी हम लोग देख रहे हैं, चेक बुक खाली है, सब अभी उसी का है सर। करके सब पब्लिक मूवमेंट बना दिया, मेरे पास कोई हथियार नहीं था और प्रशासन को बुला करके हथियार थमा दिया गया कि इन्हीं के पास से निकला है।